हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्क्वाड चैनल। इस वीडियो में हम आपको पैरा कमांडोस के बारे में 10 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे जिनको जानने के बाद आपका पैरा स्पेशल फोर्स के लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पैरा कमांडोस इंडियन आर्मी की पैरासूट रेजिमेंट की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जो मेनली स्पेशल ऑपरेशंस जैसे कि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी, हॉस्टेज रेस्क्यू जैसे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए बनाई गई है। पैरा कमांडोस इंडियन आर्मी की सबसे डेंजरस यूनिट में से एक है। किसी भी स्पेशल ऑपरेशन के लिए पैरा कमांडोस इंडियन आर्मी की पहली चॉइस होती हैं। तो चलिए जानते हैं पैरा कमांडोस के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स जो इन्हें बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बनाते हैं। पैरा कमांडोस का सिलेक्शन प्रोसीजर दुनिया में सबसे लॉन्ग और टफ माना जाता है, जिसमें वॉलंटियर्स को हर तरह के मेंटल और फिजिकल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। इसकी ट्रेनिंग का एट्रिशन रेट इतना हाई होता है कि 90 से 95% लोग ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ देते हैं। पैरा स्पेशल फोर्स में शामिल होने के लिए वॉलंटियर्स को पहले पैरा ट्रूपर के लिए क्वालिफाई करना होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एडवांस स्पेशल फोर्स सिलेक्शन के लिए भेजा जाता है। यह सिलेक्शन प्रोसीजर 90 दिन तक चलता है, जिसे प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। पैरा कमांडोस को ट्रेनिंग के दौरान कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग और हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग। ये दोनों ही टेक्निक पैरा कमांडोस को ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती है। ये टेक्निक दुनिया भर में कुछ स्पेशल फोर्स सीख पाती हैं। इंडियन आर्मी में सिर्फ पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट ही ऐसी है जिसमें सोल्जर्स को क्लीन शेव करना कंपलसरी नहीं है। पैरा कमांडोस को बियर्ड बढ़ाने की परमिशन होती है, जिससे वो सिविलियंस के साथ आराम से घुल मिल सकें और अपने ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकें। पैरा स्पेशल फोर्स उन क्रैक ऑपरेटर्स का गैंग है जो हमेशा इंडिया के लिए इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करने के लिए आगे आते हैं। पैरा कमांडोस को उनकी ट्रेनिंग और स्किल्स के अलावा एक और चीज है जो उनको सबसे अलग बनाती है, और वो है बलिदान बैच। केवल पैरा कमांडोस को ही बलिदान बैच पहनने की अनुमति होती है। पैरा स्पेशल फोर्स में कमांडोस को मरून बैरेट देने से पहले एक ट्रेडिशन निभाया जाता है, जिसमें कमांडोस को रेड वैन के साथ कांच को चबाना पड़ता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरून बैरेट की अहमियत क्या है, और इसे अर्न कर पाना सबके बस की बात नहीं है। रिपब्लिक डे परेड के दौरान पैरा कमांडोस का मार्चिंग स्टाइल सबसे अलग होता है। पैरा कमांडोस का मार्च स्टाइल स्पॉट जॉगिंग की तरह लगता है, और पैरा कमांडोस का मोटो है मैन अपार्ट एवरी मैन एन एम्परर। सन 2000 में पैरा स्पेशल फोर्स ने साबित कर दिया था कि उनके पास भी इंडिया के मेडिवल वॉरियर्स की तरह सुपर नेचुरल और फाइटिंग स्किल्स हैं। जब ऑपरेशन कुकरी के दौरान 90 पैरा स्पेशल फोर्स ऑपरेटर्स ने अपने गुरखा मेंबर्स को बचाने के लिए आरयूएफ के 5000 रेबल्स को पीछे हटने में मजबूर कर दिया था। पैरा कमांडोस की पहचान मरून बैरेट और बलिदान बैज होता है। दुश्मनों में पैरा कमांडोस रेड डेविल और दाढ़ी वाला फौजी के नाम से जाने जाते हैं। पैरा स्पेशल फोर्स सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई बड़े ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी है। तो अगर आप पैरा कमांडो बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी होगी। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद आप पैरा कमांडो के सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे पैरा कमांडोज के 10 अमेजिंग फैक्ट्स। इस वीडियो को लेकर अगर आपको कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और फ्यूचर में ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।